मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पंचायत चुनाव में साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ाएगी आप। संगम नगरी प्रयागराज में आम आदमी पार्टी ने महानगर कार्यालय में एक प्रेस वार्ता बुलाई और साथ ही पंचायती चुनाव को लेकर उन्होंने अपने समीकरण को स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने रखा। वहीं इस मौके पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने बताया, आम आदमी पार्टी प्रयागराज में पूरे दमखम के साथ पंचायती चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है। पार्टी के प्रदेश की हर जिले पंचायत सीट पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। पार्टी की ओर से जिला पंचायत सदस्य पद पर करीब 400 उम्मीदवार पहले ही सूचित घोषित की जा चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी को प्रदेश भर के हजारों आवेदन मिले हैं, उनकी जांच करके साफ सुथरी छवि वाले ही प्रत्याशी पड़ताल में काम की जिला स्तर पर 4 सभी स्कैनिंग कमेटी को दिया गया है। पहली सूची जारी को हो चुकी है। हर दावेदार की स्टैंडिंग कमेटी में बारीकी से परीक्षण किया है। आम आदमी पार्टी अपनी स्थापना के साथ साथ साफ सुथरी राजनीति के प्रति प्रतिबद्ध रही है। हम राजनीतिक भ्रष्टाचार और सियासत के गुंडे माफिया की दखल खत्म करने की राजनीति में आए हैं। यह सुनाते हैं डॉक्टर अल्ताफ अहमद, आप जिलाध्यक्ष ने क्या जानकारी दी। जैसा कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो आज मुद्दा वही है। हम लोग पंचायती चुनाव की तैयारी के लिए आज हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव पूरे मजबूती के साथ लड़ने की तैयारी कर रही है और प्रयागराज में भी पूरे 84 सीटों पर हम लोग पूरे मजबूती के साथ लड़ेंगे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो प्रत्याशी होंगे वो अच्छी छवि वाले होंगे। हम लोग लगातार आवेदन भी ले रहे हैं और इस आवेदन में हम लोग की स्क्रूटनी चल रही है कि जो भी अच्छे प्रत्याशी हैं उनको उतारा जाए जो जनता के लिए काम करे। ये हमारा सेमीफाइनल है। इस सेमीफाइनल के बाद विधानसभा चुनाव हमारा फाइनल होगा और हम लोग का को पूरी उम्मीद है कि प्रयागराज की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को मजबूती से चुनाव जितवाएगी और अच्छी सीटों पर हम लोगों को जिताएगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।